कर दिया था, मुझे यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया था। वो मुझे मुझे लगा कि वो मैंने मैंने पहले भी हर्ट किया। सॉरी 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 सॉरी। मुझे यहाँ से जाना है। अब आपकी गुड़िया आ गई है हर्ष भाई, अब देखना सब ठीक होगा, सब कुछ। आप भी, एंड आई एम श्योर आपकी गुड़िया आपकी जिंदगी बदल देगी। मुझे तुम्हारे घर के सारे राज पता है, और अब मैं ये राज और तुम्हारे हर्ष की सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। राम शास्त्री, अपना टाइम गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब दोनों तुम और तुम्हारे परिवार के बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। राधा जी साहब, ये लेटर किसने दिया? साहब मुझे नहीं पता, मैं जब आई तो यहाँ कोई भी नहीं था। जाओ। राधा पानी लेके आना। थैंक यू बेटा, हर्ष को बाहर निकालने के लिए। जिस तरह तूने उसे उस अंधेरी कुटरी से बाहर निकाला है ना, जिंदगी के अंधेरों से भी बाहर निकाल लेना बेटा। और मैं जानती हूँ तू ऐसा कर सकती है, हमेशा इसका साथ दे। प्लीज दादी, प्लीज आप ऐसा मत करिए हमारे सामने, प्लीज। हर्ष भाई आ जाओ मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही लड़ा, यही मुझे ताली देखो। अब हम लेकर चले जाते हैं इनको। हाँ कोई बात, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ हमारे साथ चलेंगे। हाँ कहीं नहीं जाएगा ये। शिखर संभालो। चुप। जानकी हर्ष का हाथ छोड़ो, इसे कैसे संभालना है ये हमें आता है। चल अर्श। मैं नहीं जाऊंगा। अपना मुंह बंद करो। चल नहीं जाऊंगा। ठीक है हम आप हमारे साथ जाएंगे। हाँ भैया, हर्ष सर को हम भी अपने साथ लेकर जाएंगे। गलत इन्होंने हमारे साथ क्या है, इनके साथ क्या करना है, इन्हें कैसे सुधारना है, ये तो हमें डिसाइड करना चाहिए। क्या करोगी मिस्टर? मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी? मुझे पनिशमेंट दे दे। मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी ना? देखो इसे, तुम्हारा पति होने के साथ साथ ये पागल भी है। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पागल मत। आप पागल नहीं है। जानकी हमने तुम्हें समझाया था कि हमारे उसके बीच में होता। भैया प्लीज यार, अब हर्ष भैया को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भाभी को दे देनी चाहिए। तो अपना मुंह बंद रख। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है शिखर। दादी, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, पर इस घर में सबसे बड़ी मैं हूं, और मैं जानकी को यह अधिकार देती हूं कि वो हर्ष की देखभाल करे। हम सभी ये चाहते थे ना कि हर्ष की देखभाल करने के लिए कोई आ जाए, तो जब जानकी आ गई है तो समस्या क्या है? वो जिस तरह चाहेगी उस तरह उसे संभालेगी, समझ गए तुम? अम्मा जी ठीक कह रही हैं। जानकी ठीक, बेटा हर्ष को अपने कमरे में लेके जाओ। जाओ बेटा। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, इमोशन में बह के कुछ भी कर रहे हो आप लोग। कल को सब पछताओगे, मेरे पास मत आना समझे।
जी पापा। ये देखो राजेश, अब ये देखने का क्या फायदा पापा, अब तो जानकी घर में ही है, घर में रह के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब क्या देखें इसका। अरे जानकी की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये है वो, ये चुपके से शास्त्री मेंशन में घुस आया है। ये है कौन, ये तो पता लगाना है कौन है ये और हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? हाँ ब्लैकमेल। सुनिए चलिए ना, चलकर आराम कर लीजिए, कितना काम करेंगे। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोलिए। क्या बोले, बोल बोल के थक गए हम, कभी हर्ष को, कभी जानकी को, कभी तुम्हें, कभी इसे, अरे किस किस को संभाले हम। I'm just fed up. I want to be left alone. और ये बार बार क्या हुआ ये मत पूछो हमसे। अगर कुछ करना है ना तो ऐसा कुछ करो जिससे कोई टेंशन ना रहे। हर कोई प्रॉब्लम्स लेके आता है, सवाल लेके आता है, अरे कभी तो सॉल्यूशंस लेकर आया करो। कब तक हम आप सबको संभालते रहेंगे। सविता तुम जाओ, राजेश तुम यही रहना। पापा कम डाउन हो जाए, आइए बैठिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि ब्लैकमेल का क्या चक्कर है। अब खुद ही पढ़ लो। ये कौन पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत पड़ गई जो हमें ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है। कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए।